बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में अनामिका अपनी सौतेली माँ उर्मिला और सौतेली बहन काव्या के साथ रहती थी। अनामिका स्वभाव की बहुत अच्छी थी और बहुत दयालु भी, लेकिन अनामिका का आत्मविश्वास उस समय टूट जाता है जब उसके काले रंग की वजह से उसे लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ काव्या बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उर्मिला और काव्या दोनों अनामिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अनामिका को बाहर आने जाने की भी परमिशन नहीं थी, वह घर में रहकर बस पूरे दिन काम ही किया करती थी। अगर काम करने में कोई गलती हो जाती तो दोनों माँ बेटी उसकी बहुत पिटाई भी करती थी। ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अनामिका की चल रही थी। अनामिका अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए वे कभी भी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को पलट कर जवाब नहीं देती थी, चुपचाप उनका अत्याचार सहती रहती थी। एक दिन काव्या और उर्मिला बर्थडे पार्टी में जा रही थी, तभी अनामिका अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से कहती है, माँ आप दोनों बर्थडे पार्टी में जा रही हैं, मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। बहुत मन कर रहा है किसी पार्टी में जाने का। 2 महीने से ज्यादा हो गए मुझे घर के अंदर रहते, मुझे घर में रहकर बहुत घुटन हो रही है, मैं भी आप दोनों के साथ जाना चाहती हूँ। लगता है काली कलूटी 2 महीने पहले वाली बात भूल गई, जब हम तुझे अपने साथ शादी में लेकर गए थे। तेरी वजह से हमारी कितनी इंसल्ट हुई थी, तुझे क्या लगता है उस दिन के बाद से अब हम तुझे अपने साथ कभी लेकर जाएंगे? तेरी काली शक्ल है ही नहीं कहीं लेकर जाने लायक। चुपचाप घर में रहकर घर का काम कर। तू घर में रहकर काम करने के लिए बनी है, घूमने के लिए नहीं काली कलूटी। सुन काली कलूटी, हमारे जाने के बाद मेरा मेकअप का सामान मत लगा लेना, और हाँ मेरी ड्रेस पर इस्त्री भी कर देना। मुझे सुबह को पिंक वाली ड्रेस पहनकर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। ऐसा कहकर उर्मिला और काव्या बर्थडे पार्टी में चली जाती हैं, और बेचारी अनामिका को अपने काले रंग की वजह से उसे घर में ही रहना पड़ता है और घर का सारा काम करना पड़ता है। अनामिका रोते हुए घर का सारा काम करती है और उसके बाद आईने के सामने खड़ी होकर खुद को बहुत गौर से देखती है और अपने आप से कहती है, काव्या दीदी कितनी गोरी और सुंदर हैं। अगर मैं भी काव्या दीदी की तरह सुंदर होती तो मेरी सौतेली माँ शायद मुझसे प्यार करती। शायद मैं काली हूँ इसलिए मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे दूर दूर रहती हैं। मेरे काले होने की वजह से उन्हें भी तो ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसा कहकर अनामिका अपने दिल को तसल्ली देती है कि उसके काले होने की वजह से उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उससे प्यार नहीं करती। कुछ समय बाद उर्मिला और काव्या बर्थडे पार्टी से वापस आ जाती हैं, तभी उर्मिला अनामिका से कहती है, सुन काली लड़की, कल मेरी बेटी काव्या को देखने के लिए बहुत बड़े घराने का परिवार आ रहा है। मेरे बचपन की दोस्त सुरेखा अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी कराना चाहती है। पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर देना, कहीं भी गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए। मम्मी आप इस काली कलूटी से ये भी कह दो, जब मुझे लड़के वाले देखने आएंगे तो ये कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसकी काली शक्ल की वजह से कहीं वे इस रिश्ते को तोड़ के न चले जाएं। पहले ही इसने हमारे घर में बहुत मनहूसियत फैला रखी है, मैं नहीं चाहती इसकी वजह से मेरे रिश्ते में कोई अड़चन आए। काव्या बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझे याद दिला दिया, सुरेखा को बिल्कुल भी काले लोग पसंद नहीं है। अगर वे इस मनहूस को देख लेती तो वह अपने बेटे की शादी तुमसे कभी ना करती। सुन काली कलूटी, सारा काम खत्म करके रूम में बंद ही रहना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात अच्छी तरह समझ रही है ना? ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। घर का सारा काम करने के बाद मैं रूम में बंद हो जाऊंगी, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर अनामिका चली जाती है। सुबह होने के बाद अनामिका पूरे घर की सफाई करती है, कपड़े धोती है, खाना तैयार करती है। सब काम खत्म करने के बाद रूम में चली जाती है। कुछ समय बाद काव्या को देखने लड़के वाले आ जाते हैं। अनामिका खिड़की से सब देख रही थी किस तरह से सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। तभी अनामिका सोचती है, काश वह भी उन सबके साथ एंजॉय करती, काश मैं भी ये सब कुछ एंजॉय कर पाती। लेकिन मेरी किस्मत में तो एंजॉय करना लिखा ही नहीं है मेरे काले होने की वजह से। ऐसा सोचकर अनामिका उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। सुमित काव्या को अंगूठी पहनाने ही वाला होता है,
तभी अनामिका की नज़र एक सांप पर जाती है जो उर्मिला को डसने ही वाला था। तभी अनामिका भागकर बाहर आती है उस सांप को भगाने के लिए। तभी वह सांप वहां से भाग जाता है। अनामिका उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है मगर वह नहीं मिलता। उर्मिला आग बबूला हो जाती है और अनामिका से कहती है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? तुमसे मना किया था ना बाहर आने के लिए, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैं बाहर नहीं आना चाहती थी, लेकिन अभी मैंने खिड़की से सांप को देखा था जो आपको डसने ही वाला था। बस मैं तो उसे भगाने के लिए आई थी। माँ, मुझे माफ कर दो। अनामिका के मुंह से सुरेखा उर्मिला को माँ कहते हुए सुनकर चौंक जाती है और वह उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक और बेटी है, वो भी इतनी काली कलूटी। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे काले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अब मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से बिल्कुल नहीं करूंगी। चलो सुमित बेटा, अब मैं तुम्हारी शादी यहाँ नहीं करूंगी जहाँ काले लोग रहते हैं। सुरेखा, मेरी बात तो सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो मेरी सौतेली बेटी है। इसे मैंने अपने घर की नौकरानी बना के रखा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मेरी बात तो सुनो, तुम इस तरह से रिश्ता तोड़ के नहीं जा सकती। उर्मिला सुरेखा को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुरेखा उर्मिला की एक नहीं सुनती और वह अपने बेटे को वहाँ से ले जाती है। उनके जाने के बाद उर्मिला अनामिका की बहुत पिटाई करती है। तभी काव्या अपनी माँ से कहती है, देखा मम्मी, ये मेरी सुंदरता से जलती है। आपने इससे मना किया था कि बाहर ना आए, फिर भी ये बाहर आई ताकि मेरा रिश्ता टूट जाए। आपने इससे कहा था ना कि सुरेखा आंटी को काले लोग पसंद नहीं, इसलिए जानबूझकर यह बाहर आई। मम्मी, इस काली कलूटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसे कम से कम एक हफ्ते तक खाना मत दीजिए। ये काम भी करेगी और इसे खाना भी नहीं मिलेगा, यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। नहीं बेटा, इस मनहूस की सजा ये नहीं होगी, बल्कि इसकी सजा ये होगी कि अब ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहेगी। मगर मम्मी, आप इस काली को कैसे निकाल सकती हैं? आप पिताजी को क्या जवाब देंगी? इस काली कलूटी की जिम्मेदारी वो आपको देकर गए थे। वो सब मैं देख लूंगी, मगर अब ये एक भी पल मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल जा मनहूस मेरे घर से, और नजर भर कर भी मेरे घर की तरफ देखना मत। तेरी वजह से आज मेरी बेटी का इतने बड़े घराने में रिश्ता होते होते टूट गया। पता नहीं अपनी मनहूसे से और क्या मनहूसत फैलाने वाली है। अनामिका अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने सचमुच सांप को देखा था, लेकिन वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और अपने घर से धक्के मारकर उसे निकाल देती हैं। अनामिका अपने साथ अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अनामिका अपनी माँ की तस्वीर से रोते रोते बहुत बातें करती है। माँ, आपको तो पता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सांप को देखा था, वो माँ को डसने ही वाला था, मगर उन्हें मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैंने जानबूझकर काव्या दीदी का रिश्ता तोड़ा है। मगर माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगी? अगर वो मुझे अपनी सौतेली बेटी समझती हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं समझती। मैं तो उन्हें अपनी सगी माँ और सगी बहन समझती हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी भी पता नहीं कब शहर से वापस आएंगे। ऐसा कहकर अनामिका बहुत रोती है। तभी अनामिका को अपने स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज़ आती है, अनामिका बेटा, इस तरह से नहीं रोते, मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। यह दुनिया वाले तुम्हें इसलिए दुत्कारते हैं कि तुम काली हो, सुंदर नहीं हो, मगर कोई मेरी बेटी का हीरे जैसा दिल नहीं देखता। इन लोगों को पता नहीं, इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं दिल से होती है। मगर बेटा, यह दुनिया वाले दिल की सुंदरता को नहीं देखते, सबको बाहरी सुंदरता चाहिए। इसलिए अनामिका बेटा, मैं तुम्हें जादुई साबुन देती हूँ, इसे लगाते ही तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और तुम जालिम दुनिया वालों के सामने दुत्कारी भी नहीं जाओगी। अब तुम्हारी सुंदरता से सब प्यार करेंगे। माँ, जादुई साबुन, इसे लगाने से मैं बहुत सुंदर हो जाऊंगी, सब लोग मुझसे दोस्ती करेंगे, मेरी शादी होगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर अनामिका बहुत ज्यादा खुश होती है और अनामिका की स्वर्गवासी माँ उसे जादुई साबुन दे देती है। जैसे ही अनामिका जादुई साबुन से मुंह धोती है तो वह बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। अनामिका खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह, माँ की जादुई साबुन से तो मैं कितनी ज्यादा सुंदर हो गई, मुझे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
अनामिका ऐसा कह ही रही थी तभी अनामिका को नदी में कोई डूबता हुआ नजर आता है। अनामिका तुरंत उसकी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उसकी जान बचाकर बाहर ले आती है। अनामिका जिसकी जान बचाती है वह कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक राजकुमार था। राजकुमार को पहली ही नजर में अनामिका से प्यार हो जाता है। तभी राजकुमार अनामिका से कहता है, राजकुमारी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारी जान बचाई। तुम किस राज्य की राजकुमारी हो? मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना कि किसी राज्य की इतनी भी सुंदर राजकुमारी है। राजकुमार सम्राट, मैं किसी भी राज्य की राजकुमारी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ, मेरा नाम अनामिका है। तुम सुंदर होने के साथ साथ एक सच्ची और अच्छी लड़की भी हो, क्या तुम मेरी राजकुमारी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अनामिका राजकुमार सम्राट से शादी करने के लिए हाँ कर देती है और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से अनामिका और राजकुमार की शादी हो जाती है। अनामिका बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी माँ की जादुई साबुन की वजह से आज वह एक राजकुमार की राजकुमारी है। एक दिन अनामिका राजकुमार के साथ बाहर घूमने गई थी तभी उसे रास्ते में उर्मिला मिल जाती है। उर्मिला को देखते ही अनामिका उसके पास जाती है और उससे कहती है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? पिताजी और काव्या दीदी कैसे हैं? उर्मिला अनामिका को पहचान लेती है तभी वह अनामिका से माफी मांगती है। अनामिका बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना ढूंढने की कोशिश की मगर तू मुझे कहीं नहीं मिली। अनामिका बेटा तूने सच ही कहा था, घर में एक बहुत जहरीला सांप था और उसने एक रात काव्या को सोते हुए डस लिया जिसकी वजह से उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। अगर उस वक्त मैं तेरी बात मान लेती तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। मैंने एक बेटी को तो खो दिया लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। अनामिका अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। अनामिका को अपनी सौतेली माँ का सगी माँ जैसा प्यार मिलने लगा था। आज अनामिका बहुत ज्यादा खुश थी कि उसकी माँ की जादुई साबुन की वजह से आज उसे इतनी सारी खुशियाँ मिली हैं। बहुत समय पहले की बात है, किशोर नगर नामक गांव में अंजलि अपने भाई सुमित और भाभी उर्मिला के साथ रहती थी। अंजलि जब 10 वर्ष की थी तब उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अब अंजलि 16 वर्ष की थी, तब से लेकर आज तक सुमित ने अपनी बहन को बहुत लाड प्यार से पाला था। सुमित और उर्मिला का भी अपना एक बेटा था जुगनू। एक दिन अंजलि अपने भाई से कहती है, भैया आज मुझे हमारे गांव का जो सबसे अच्छा मॉल है वहां से शॉपिंग करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बहन, चलो अभी चलते हैं, उसके बाद मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। ऐसा कहकर सुमित अपनी बहन को शॉपिंग कराने के लिए मॉल ले जाता है। अंजलि बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस खरीद कर घर आ रही थी तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। सुमित की तुरंत मृत्यु हो जाती है और अंजलि को छोटी मोटी चोटें आती हैं। सुमित की मृत्यु के बाद अंजलि की पूरी जिंदगी उलट पलट हो जाती है। उर्मिला अंजलि के पास आती है और उससे कहती है, मुझे तो पहले से ही मनहूस लगती थी, बचपन में ही अपने माँ बाप को खा गई और अब मेरे पति को खा गई, मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया, हमसे दूरी रहा कर कहीं तो हम दोनों को भी न खा ले। भाभी भैया के जाने का दुख मुझे भी बहुत है, कृपया करके मुझे इस तरह से परेशान तो मत कीजिए। भाभी एक्सीडेंट के दौरान मुझे बहुत चोट लगी थी, मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई दिला दीजिए। अब मुझे ज्यादा ड्रामा करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप किचन में जो बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर, गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें धो और उसके बाद पूरे घर में झाड़ू लगाकर सफाई कर, एक भी तिनका मुझे दिखाई देना नहीं चाहिए, मनहूस। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ मेरे हाथ और पैर में दर्द हो रहा है और आप मुझसे इतना सारा काम कराने के लिए कह रही हैं, मैं कैसे कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। भाभी कृपया करके मेरे ऊपर इतना जुल्म तो मत कीजिए, भैया को गए हुए 3 दिन हो गए और 3 दिन से आपने मुझे कुछ खाने के लिए भी नहीं दिया और आज आप मुझसे इतना सारा काम कराने के लिए कह रही हैं। हाँ 3 दिन हो गए मैंने तुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया, अगर ये सारा काम तूने नहीं किया तो तू भूल जा कि तुझे कभी कुछ खाने के लिए मिलेगा, मेरे पति को तो पहले ही खा चुकी है, अभी भी तेरा पेट नहीं भरा, मनहूस पता नहीं कितने लोगों को खाकर सांस लेगी। ऐसा कहकर उर्मिला वहां से चली जाती है। बेचारी अंजलि 3 दिन की भूखी, ऊपर से हाथ पैर में इतना ज्यादा दर्द,
अगर काम नहीं करती तो उसे आज भी कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वह इतने दर्द में बर्तन साफ करती है, कपड़े धोती है और पूरे घर की सफाई करती है, और उसके बाद अंजलि को खाने के लिए और उर्मिला कल की सूखी रोटी चटनी के साथ देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। इसी तरह उर्मिला अंजलि के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर रही थी। एक दिन उर्मिला से मिलने उसकी फ्रेंड आती है और वह उर्मिला से कहती है, उर्मिला तेरे घर की नौकरानी तो बहुत अच्छी है, पूरे घर को कितनी अच्छी तरह चमका रखा है, काश ऐसी नौकरानी मुझे मिल जाए तो मैं उसे पूरे 20,000 रुपए महीने के दूंगी। मेरे घर की नौकरानी मेरे घर की बिल्कुल भी अच्छी सफाई नहीं करती। उर्मिला अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर खुश हो जाती है, उसे 20,000 रुपए का लालच आ जाता है। तभी उर्मिला अंजलि को अपने पास बुलाती है और अंजलि की तरफ इशारा करते हुए अपने फ्रेंड से कहती है, देखो दिव्या, ये रही मेरे घर की नौकरानी, तुमने अभी कहा था ना अगर मेरी नौकरानी तुम्हारे घर काम करेगी तो तुम उसे 20,000 रुपए तनख्वाह दोगी, फिर तो तय रहा, आज से मेरे घर की नौकरानी तुम्हारे घर काम करेगी, ठीक है, लेकिन मुझे 20,000 रुपए एडवांस चाहिए। उर्मिला, ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए एडवांस दे देती हूँ, अगर तुम्हारी नौकरानी मेरे घर काम करेगी तो तुम्हारे घर में काम कौन करेगा? दिव्या, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अपने लिए दूसरी नौकरानी ले आऊंगी। दिव्या उर्मिला को 20,000 रुपए एडवांस देकर चली जाती है। दिव्या के जाने के बाद अंजलि उर्मिला से कहती है, भाभी आपने अपने फ्रेंड्स के सामने मुझे नौकरानी क्यों बताया, और क्या अब मैं उनके यहाँ काम करने जाया करूँगी नौकरानी बनकर? हाँ, अब तो दिव्या के यहाँ काम करने जाया करेगी और घर का भी सारा काम तू ही करेगी। ये मत सोचना कि तुझे यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह 4 बजे उठकर तो पूरे घर की सफाई करेगी और 6 बजे दिव्या के घर जाकर पूरे दिन उसका काम करेगी, और शाम को आकर खाना भी तू ही बनाएगी। मैं तुझे चैन की सांस नहीं लेने दूंगी। भाभी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पकड़ती हूँ, कृपया करके मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार तो मत कीजिए। इतना सारा काम कर करके एक दिन मैं मर ही जाऊंगी। भाभी, मैं पूरे घर का काम कर तो रही हूँ, मुझे दिव्या आंटी के यहाँ काम करने के लिए मत भेजिए। अंजलि उर्मिला के सामने बहुत रोती है कि वह दूसरों के घर में उसे झाड़ू पोंछा करने के लिए ना भेजे, लेकिन उर्मिला अंजलि के ऊपर जरा भी तरस नहीं खाती। बेचारी अंजलि सुबह 4 बजे उठकर पहले घर का सारा काम करती और उसके बाद दिव्या के यहाँ काम करने जाया करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इतना ज्यादा काम कर करके अंजलि के हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन अंजलि उर्मिला से कहती है, भाभी मैं घर का सारा काम करती हूँ और काम करने के लिए बाहर भी जाती हूँ, इतना ज्यादा काम कर करके मेरे हाथों में छाले पड़ गए। आज दिव्या आंटी के यहाँ बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, आप उनसे मना कर दीजिए कि मैं आज काम करने नहीं आऊँगी, अगर मैं आज काम करने गई तो मेरे हाथ के छाले फूटकर नासूर बन जाएंगे। भाभी, आप अपने फ्रेंड से फोन कर मना कर दीजिए ना। अंजलि की बातें सुनकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वह अंजलि के एक थप्पड़ मारकर उससे कहती है, क्यों मनहूस, उसके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं और वह अपने गेस्ट हाउस की सफाई कराना चाहती है, अगर तू आज काम करने नहीं जाएगी तो आज के बाद तुझे अपने घर काम करने नहीं बुलाएगी, और मुझे जो 20,000 रुपए महीने के मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। चुपचाप काम करने के लिए जा, तेरे हाथ में छाले हैं चाहे कुछ भी, मैं कुछ नहीं जानती। अंजलि उर्मिला के पास बहुत आस लगाकर आई थी कि वह अपने फ्रेंड को फोन कर मना कर देगी, लेकिन उर्मिला को तो 20,000 रुपए का लालच था। उसे 20,000 रुपए के सामने अंजलि के हाथों के छाले नजर नहीं आ रहे थे। अंजलि अपनी माँ की तस्वीर के सामने बहुत रोती है। माँ, जब मैं 10 वर्ष की थी तो आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन आप दोनों के जाने के बाद सुमित भैया ने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया, लेकिन भैया भी मुझे छोड़कर चले गए। माँ, आपको स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि भाभी मेरे ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, घर का भी काम कराती है और बाहर भी काम करने के लिए भेजती है, और भाभी मुझे खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है और पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े। माँ, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके आप लोगों के पास आ जाऊँ, कम से कम भाभी के अत्याचार से तो छुटकारा मिल जाएगा। माँ,
ऐसा कहकर अंजलि बहुत रो रही थी। तभी अंजलि की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, अंजलि बेटा आत्महत्या करने की बातें नहीं करते, आत्महत्या तो सिर्फ कमजोर लोग क्या करते हैं, और मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है, वह उर्मिला का कितना जुल्म और अत्याचार सहन कर रही है। मेरी बच्ची तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे आज एक जादुई झाड़ू देती हूँ। माँ आज आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी आवाज सुनने के बाद मेरी सब दुख परेशानी छू मंतर हो गई। माँ जादुई झाड़ू इससे क्या होगा? अंजलि बेटा एक बार हमारे घर एक बूढ़ी महिला आई थी, मैंने उनकी बहुत सेवा की और उन्होंने मुझे सेवा के बदले एक जादुई झाड़ू दी, लेकिन कभी मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाई। मगर बेटा अब उस जादुई झाड़ू का तुम इस्तेमाल करोगी, तुम उस जादुई झाड़ू से जो भी कुछ कहोगी तुरंत हो जाएगा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें जादुई झाड़ू से खाने के लिए स्वादिष्ट खाना मिलेगा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे, तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, जादुई झाड़ू मेरे पुराने बक्से में रखी है। अंजलि अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी अपनी माँ का पुराना बक्सा खोलकर देखती है तो उसे जादुई झाड़ू मिल जाती है। जैसे ही अंजलि जादुई झाड़ू को हाथ लगाती है तो उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह जादुई झाड़ू को लेकर दिव्या के घर चली जाती है। अंजलि एक तरफ आराम से बैठ जाती है और जादुई झाड़ू पूरे घर का काम कर देती है, पूरा घर चमक रहा था। तभी दिव्या अंजलि से कहती है, अरे वाह अंजलि बेटा, तुमने तो चुटकियों में घर को साफ कर दिया और घर कितना ज्यादा चमक रहा है, तुमने मुझे बहुत खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाती हूँ, तुम्हें 20,000 की जगह 30,000 रुपए महीने के मिलेंगे, ठीक है? अंजलि काम खत्म करके घर वापस आ जाती है। अब वह जादुई झाड़ू से अपने लिए स्वादिष्ट खाना मांगती तो उसे खाना मिल जाता, अब उसकी जिंदगी जादुई झाड़ू की मदद से पहले से बेहतर हो जाती है। एक दिन अंजलि दिव्या के घर से काम करके घर वापस आती है तो उर्मिला बहुत रो रही थी। तभी अंजलि उर्मिला से पूछती है, भाभी क्या हुआ, आप इतनी क्यों रो रही हैं? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं आपकी उस परेशानी को दूर कर सकूं। तो मनहूस मेरी परेशानी को हल नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। जुगनू हॉस्पिटल में है, उसके दिल में छेद है और उसका तुरंत ऑपरेशन होना है। अगर 5 लाख रुपए नहीं मिले तो जुगनू मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं 5 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा बच्चा। भाभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे पास माँ की जादुई झाड़ू है, जादुई झाड़ू से जो भी कुछ मांगते हैं वो मुझे मिल जाता है। खाना मांगा मुझे खाना मिल गया, कपड़े मांगे मुझे कपड़े मिल गए, अब मैं जादुई झाड़ू से बहुत सारे पैसे मांगती हूँ। तभी अंजलि जादुई झाड़ू से कहती है, जादुई झाड़ू मुझे 5 लाख रुपए की बहुत ज़रूरत है, मेरे सामने 5 लाख रुपए आ जाएं। अंजलि के इतना कहते ही जादुई झाड़ू से 5 लाख रुपए आ जाते हैं। उर्मिला तुरंत हॉस्पिटल में वह पैसे जमा कर देती है और जुगनू का ऑपरेशन हो जाता है। जुगनू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उर्मिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी उर्मिला अंजलि से माफ़ी मांगती है, अंजलि मुझे माफ़ कर दे, मैंने हमेशा तुझे मनहूस समझा, लेकिन तू तो देवी निकली, आज तेरी वजह से मेरा बच्चा ठीक हो गया। अगर तू चाहती तो जादुई झाड़ू के बारे में मुझे कभी ना बताती और मेरे बच्चे को यूं ही तड़प तड़प कर मरता हुआ देखती रहती। मुझे माफ़ कर दे, आज से तू मेरी ननंद नहीं मेरी बेटी है, आज के बाद मैं तुझसे कोई काम नहीं कराऊंगी, आज से तू मेरी बेटी है मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। अंजलि उर्मिला को माफ़ कर देती है और उसे जादुई झाड़ू की मदद से अपनी भाभी का माँ जैसा प्यार मिलने लगा था। अब वह पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी जीने लगी थी, अब उसकी जिंदगी में कोई दुख कोई परेशानी नहीं रही थी।